बोले केदारनाथ के बारे में जो आज प्रचलित में आ रहा है कि भीमशिला, यह भीमशिला 2013 के रूप में जब आपदा केदारनाथ में आई थी तो एक बड़े पत्थर के रूप में मंदिर के पीछे रुक गई और उस पत्थर के रुकने से भगवान केदारनाथ के जो मंदिर है उसको कोई हानि नहीं हुई, उसने भगवान के मंदिर को अच्छी तरह सुरक्षित रख लिया और सुरक्षित रखने पर आज वह भीमशिला के रूप में प्रचलित हो चुकी है। आगे की ओर बढ़े, चलते चलते रुद्रनाथ में पहुंचे जहां पर भगवान शंकर ने पांडवों को एक नेत्र मुख्य रूप के रूप में दर्शन दिए, मुखमंडल के रूप में उनको दर्शन दिए। वहां से पांडव फिर आगे बढ़े, चलते चलते कल्पनाथ में पहुंचे जहाँ भगवान शंकर ने पांडवों को जटा के रूप में दर्शन दिए। देखिए भगवान शंकर ने पांडवों को एक रूप में कहीं दर्शन दिया, पांच स्थानों में अलग अलग रूप से दर्शन दिए जिसे पंच केदार कहते हैं। वहाँ से पांडव फिर आगे बढ़े बद्रीनाथ के लिए और बद्रीनाथ में पहुँचे, वहाँ से स्वर्गारोहण हो गए। और इस कलयुग में यही कहा गया है कि जो ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ के दर्शन कर लेते हैं वह आदमी धन्य हो जाता है और अपने सप्त जन्म पितरों का उद्धार कर देता है। जय केदारनाथ। हिमालय की ओर यात्रा करना शुरू कर दी। चलते चलते पांडव जी उत्तराखंड में जो ठीक ओखीमठ के सामने गुप्त काशी है वहाँ पर पांडव लोग पहुँचे तो भगवान शंकर वहीं पर निवास करते थे। तो भगवान शंकर ने देखा कि अब पांडव यहाँ पहुँच चुके हैं तो भगवान शंकर जी वहाँ गुप्त हो गए, तो इसी के लिए वहाँ का नाम गुप्त काशी पड़ा, वहाँ गुप्त हो चुके। भगवान शंकर सीधे हिमालय में निकल गए, पांडव चलते चलते इस क्षेत्र तक पहुँच गए केदारनाथ क्षेत्र तक। यहाँ पर उन्होंने जब देखा कि कहीं भी भगवान शंकर दिखाई नहीं दे रहे वो आगे की ओर बढ़ने लगे। अब भगवान शंकर ने सोचा कि पांडव आगे बढ़ चुके हैं तो भगवान शंकर ने वृषभ का रूप धारण कर दिया। पांडवों ने कहा कि हिमालय में वृषभ कहाँ से आ चुके हैं, तो पांडव दौड़े दौड़े भागे तो उन्होंने वृषभ को पकड़ दिया। तो तब तक भगवान शंकर जी ने अपने अग्रभाग सिर का भाग छिपा दिया और जब ये सिर का भाग छिपा दिया तो पृष्ठ भाग के रूप में भगवान शंकर ने पांडवों को दर्शन दिए, जिसे कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण हिमालय में केदारनाथ की जो यात्रा करता है वही इस कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अति उत्तम केदारनाथ की ही यात्रा मानी गई है। इसमें पंच केदार हैं, प्रथम केदार केदारनाथ, द्वितीय पांडव फिर आगे बढ़े, वहाँ से द्वितीय केदार मध्यमेश्वर जहाँ भगवान शंकर ने मध्यभाग नाभि के रूप में पांडवों को दर्शन दिए। उसके बाद धीरे धीरे पांडव आगे की ओर बढ़ने लगे जहाँ तृतीय केदार तुंगनाथ कहते हैं, तो वहाँ पर भगवान शंकर ने पांडवों को हृदय और बाजों के रूप में दर्शन दिया। गंगा जलम मस्तके
मा मांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी स्थिता नंद स्कंद गणादिनाथ सहित केदारनाथ प्रभो केदारांचल संस्थित सततम कोरिया सदा मंगलम। जो भगवान श्री केदारनाथ जी हिमालय के सन्निकट यहाँ पर बसे हुए हैं, क्योंकि महाभारत का युद्ध हुआ था और महाभारत के युद्ध में पांडवों को गोत्र हत्या, पितृ हत्या, गुरु हत्या, मानव हत्या इत्यादि लग चुकी थी। तो उस दोष के निवारण के लिए पांडवों को आत्मग्लानि हो चुकी थी। इसी के उपरांत जब पांडवों को अति दुख प्रकट हुआ तो उन्हें आकाशवाणी हुई और यह कहा गया आप हिमालय में जाइए और भगवान शंकर के दर्शन करिए। या हमारा भी दो दो चार चार मंजिल मतलब घर मकान बने, कोठी बने, तो वो उन्होंने एक दो दो मंजिल बना के गए हुए लोग अपनी उससे बनाते हैं यहाँ पर। आप भी बना सकते हैं, पत्थर ढूंढ ढूंढ के आप अपना बना के जाइए भोलेनाथ, हमारी भी ऐसी बिल्डिंग बने। हर हर महादेव।